तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे रेनॉल्ट की डस्टर है, 2015 का मॉडल है, डीजल कार है। जैसा कि देख पा रहे गाड़ी चालू पोजीशन में है अभी, लेकिन बट इसका इसमें दो फॉल्ट है। एक फॉल्ट क्या है, ब्लोड आप सुने होंगे, ब्लोड में से आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, यानी ब्लोड में से कुछ तो जाकर के भरा पड़ा है, सुन पा रहे हैं आप। तो इसके लिए इसका ब्लोड तो नीचे से दिखेगा नहीं आपको, नीचे से तो दिखेगा नहीं, इसके लिए मेरे को आगे का डैशबोर्ड ये खोलना पड़ेगा, यानी ये वाला पोर्शन मेरे को खोलना पड़ेगा, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो उसको खोलने के से पहले सबसे पहले मेरे को ये सब टेप बिप वगैरह सब निकालना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं ये सब निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने एक बार आवाज आपको सुनाया, फिर एक बार और सुन लीजिए, ताकि सुन पा रहे हैं। तो इसी आवाज के लिए मेरे को आगे का डैशबोर्ड दो भागों में बटा हुआ रहता है इसका, तो इस वजह से हम आगे का डैशबोर्ड खोलेंगे ना ये वाला पोर्शन, तो मेरा ब्लोड दिख जाएगा। तो टैप सबसे पहले निकालना पड़ेगा, जैसा कि इस साइड का मैं पैनल निकाल दिया हूँ, और उसके बाद स्टेयरिंग के नीचे का जो ये कवर है, दोनों कवर खोलना पड़ेगा अपने को। उसके बाद ये वाला खोलना पड़ेगा, ये साइड का खोलना पड़ेगा, इधर 10 नंबर दिया रहेगा। बाकी कंसोल बॉक्स को मैं पीछे ले लेता हूँ, तो बाकी ये सब खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ, टैप वगैरह निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं फाइनली सब खोल दिया हूँ, मीटर वगैरह टेप वगैरह सब निकाल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली पूरा डैशबोर्ड ही निकाल देंगे, काम करने में अच्छा रहेगा अपने को, और आपको दिखने में भी समझ में आएगा अच्छा तरीके प्रॉपर तरीके से। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड स्टेयरिंग खोल के डैशबोर्ड बाहर लेके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली सब खुल चुका है, स्टेयरिंग कॉलम भी मैं खोल दिया हूँ, और ये सॉकेट भी निकाल दिया हूँ, हेडलाइट का वगैरह वाइपर वगैरह जो भी था इसमें सॉकेट सब निकाल चुका हूँ ये सब। तो अब मैं सिर्फ डैशबोर्ड रह गया, तो डैशबोर्ड मैं बाहर लेता हूँ, एंगल के साथ नहीं है, विदाउट एंगल के साथ है, तो बाहर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे डैशबोर्ड खुल चुकी है अपना, पलटी मार दिया हूँ, ये रही डैशबोर्ड। तो इस साइड मैं आपको लेके जाता हूँ ब्लोर के साइड सबसे पहले, तो ये खोलना पड़ेगा, मैं उस साइड से जाके आपको खोल के फिर दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि अंदर क्या गया है जो इतना आवाज कर रहा था। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ रहती है इसके अंदर ब्लोर तो स्टीयरिंग के साइड से खुल जाता, मतलब एंगल निकालना पड़ेगा तभी खुलेगा। तो मैं ये वाला आउटसाइड एयर का फ्लैप को निकाल दूंगा, फिर ब्लोर को दिखाऊंगा आपको। तो चलो फिर मैं ये खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे ये खोल दिया हूँ, और आप देख रहे हैं अंदर ब्लोर पूरा चोक हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना ऊपर से मट्टी आकर के देख पा रहे हैं, ये स्पंज डस्ट पार्टिकल वगैरह आके बैठ गया है, इस वजह से आवाज मार रहा था। तो चलो फिर ये सब मैं क्लीन करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं सब क्लीन हो चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया हूँ मैं इसको, और चलो फिर मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली ये फिट कर चुका हूँ मैं, और तो चलो फिर मैं आपको डैशबोर्ड डाल के अंदर फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली डैशबोर्ड मैं डाल दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ स्टीयरिंग वगैरह सब फिटिंग करके, बाकी आगे आपको मैं आगे दिखाता हूँ फिटिंग करके। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली गाड़ी फिट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे अभी गाड़ी चालू है और एसी चालू है, ब्लोड चालू है। पहले जैसा मैंने आपको दिखाया था कि सुनाया था कि ब्लोड हाई स्पीड करने पे कितना वाइब्रेशन हो रहा था, बिल्कुल अंदर जैसा कचरा भी दिखाया, कितना कचरा जाके फंसा हुआ था, इस वजह से आवाज़ आ रही थी, और वो मैं क्लीन करके भी आपको दिखाया। तो मैं ब्लोड रखा हूँ 3 पे, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, 5.1 पे आ चुका है, 5 पे, 4.9 पे, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है, 4.8 कूलिंग प्रॉपर हो रहा है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ब्लोड में कितना वाइब्रेशन हो रहा था, तो वो सब क्लीन करके, क्लीनिंग का प्रोसेस डैशबोर्ड खोल के, बगैर डैशबोर्ड खोले आपका जल्दी निकलेगा नहीं, हाँ क्लीन हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो इस वजह से मैंने डैशबोर्ड खोल दिया, और आपको दिखाने के लिए भी कि कैसे खोला जाता है या फिर क्या क्या कैसे किया जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों तक ये चीज पहुंचा रहा हूं कि आपको भी समझ में आए चीजें, ताकि तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जब करेंगे ना आप, तभी मैं आगे
अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।